नमस्कार, स्वागत है स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यालय की वाद विवाद समिति पर आसान शब्दों में निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। प्रायः प्रत्येक विद्यालय में वाद विवाद समिति रहती है। वाद विवाद समिति वाद विवाद का प्रबंध करती है। वाद विवाद में वक्ता किसी विषय पर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। कुछ वक्ता विषय के पक्ष में अपनी दलील पेश करते हैं, अन्य लोग विषय के विरुद्ध में बोलते हैं। इसलिए वाद विवाद मनोरंजक बहस है। विद्यालय की वाद विवाद समिति के एक मंत्री और एक अध्यक्ष होते हैं। एक छात्र को जो वाद विवाद में रुचि रखता है, वाद विवाद समिति का मंत्री मनोनीत किया जाता है। वह वाद विवाद कराने की व्यवस्था करता है। विद्यालय के एक शिक्षक वाद विवाद समिति के अध्यक्ष होते हैं। विद्यालय के सभी छात्र वाद विवाद समिति के सदस्य होते हैं। वाद विवाद समिति की सभा निर्धारित तिथियों पर की जाती है। वाद विवाद होने के कुछ दिन पहले ही वाद विवाद का विषय निश्चित कर लिया जाता है। जो छात्र वाद विवाद में भाग लेना चाहते हैं, वे अपने नाम मंत्री को दे देते हैं। वाद विवाद समिति के अध्यक्ष वाद विवाद का संचालन करते हैं। वे एक छात्र को वाद विवाद प्रारंभ करने के लिए कहते हैं, तब दूसरा छात्र विषय के विरुद्ध बोलता है। इस प्रकार दोनों पक्षों के वक्ताओं को विषय पर अपने विचारों को प्रकट करने दिया जाता है। अंत में अध्यक्ष अपने विचारों को प्रकट करते हैं और विषय पर मत लेते हैं। जो छात्र विषय को पसंद करते हैं, वे उसके पक्ष में मत देते हैं। जो लोग उसे पसंद नहीं करते, वे उसके विरुद्ध मत देते हैं। यदि अधिकतर छात्र प्रस्ताव के पक्ष में मत देते हैं, तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, अन्यथा अस्वीकार। विद्यालय की वाद विवाद समिति बहुत उपयोगी है। यह छात्रों को बोलने की कला सिखलाती है। वाद विवाद शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। एक शिक्षित मनुष्य को अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में समर्थ होना चाहिए। बहुत अच्छे छात्र लोगों के बीच में बोल नहीं सकते। वर्ग के कमरे में अपने विचारों को लिखित रूप से प्रकट करना सीखते हैं। यदि वे बोलने की कला नहीं जानते, तो उनकी शिक्षा अधूरी है। इसलिए वाद विवाद समिति का बहुत महत्व है। यह छात्रों को बोलने और सोचने की क्षमता का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो छात्र वाद विवाद में भाग लेता है, वह लोगों के सामने निर्भीकता से बोल सकता है। जब उसे लोगों के बीच में बोलना पड़ता है, तब वह घबराता नहीं है। इसलिए वाद विवाद समिति छात्रों को अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में समर्थ बनाती है। विद्यालय के छात्रों के लिए वाद विवाद में भाग लेना आवश्यक है। यदि वे बोलने की कला नहीं जानते, तो वे जीवन में सफल नहीं हो सकते। यदि वे वाद विवाद में भाग नहीं लेते, तो उनकी शिक्षा अधूरी रहेगी। ये थे विद्यालय की वाद विवाद समिति पर आसान शब्दों में निबंध। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।